Dude, you're just like my kid. No, no, if my father sees this, I'll disown him. It's a funny thing. No, it's not, sir. It's not. 26-11 was not funny. It's is not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. That's like my son-law. No, no, no. Will you talk to your son like that? My son-law. Will you call him by the name of a terrorist? No. प्रोफेसर टीचर ने अपने स्टूडेंट को धर्म और मजहब के नाम पर बताया आतंकवादी, जबकि पूरा मामला ये है। कर्नाटक के उडुपे मवाके मणिपाल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से उसका नाम पूछा और वो लड़का मुसलमान था। फिर प्रोफेसर ने उसका नाम सुनकर यानी उस लड़के को टीचर अजमल कस्साब से जोड़ देता है और उस लड़के को आतंकवादी और टेररिस्ट बताता है। और आपको बता दें कि 26/11 मुंबई हमले में अजमल कस्साब को पकड़ लिया गया था और 2012 में उसको फांसी दे दी गई थी। और इस प्रोफेसर टीचर ने इस लड़के को अजमल कस्साब से जोड़ते हुए कहा कि तुम तो अजमल कस्साब की तरह लग रहे हो। तो फिर इस लड़के को टीचर की इस बात पर गुस्सा आ गया और टीचर को बेबाकी से जवाब देने लगा। तो फिर लड़का टीचर से कहता है कि आप ये कैसे कह सकते हो, आप पूरी क्लास के सामने मेरा मजाक उड़ाकर मुझे टेररिस्ट और आतंकवादी कैसे बता सकते हो। तो टीचर कहता है बेटा ये तो मजाक था, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। तो फिर वो लड़का कहता है नहीं नहीं, क्या आप अपने लड़के को टेररिस्ट और आतंकवादी बता सकते हैं। तो टीचर कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर वो लड़का कहता है तो फिर आप मुझे कैसे टेररिस्ट और आतंकवादी कह सकते हैं, और वो भी पूरी क्लास के सामने। क्या आपको नहीं पता कि एक टीचर का काम अपने स्टूडेंट को, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान या फिर वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, सबको अपना बेटा समझना चाहिए। अगर एक टीचर ही अपनी क्लास के अंदर हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देगा तो फिर आप जैसे टीचर और उन लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा जो इस प्यारे हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे टीचर के बारे में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।